जी तेल मेल डलवा लिए और इनकी टाटी देखो कितनी शानदार लग रही है। विशाला सर की तरफ रुख हो गया हमारा। हम जा रहे हैं सालासर धाम। हमारी गाड़ी में तेल गल गया, एसी वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो गए जी हमारे कार्तिक जी काफ़ी देर हो गई इनको फोटो खींचते हुए। हमारा भी नंबर आएगा, बहुत देर हो गई इनको। काफ़ी घुमा दिया इन भाई ने और इनकी फोटो भी उन्हें काफ़ी क्लिक कर ली है। समझ में नहीं आ रहा, हम जाएंगे यहाँ पर जाएँ। काफ़ी धूप हो रही है, धूप के अंदर हमारा हो गया हाल ख़राब। सो गाइज अभी है ना हमने गोड़ीवारा बालाजी रुककर चाय पी ली और थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। अभी हम पहुंच गए हैं, ये लक्ष्मणगढ़ है और इसकी हम थोड़ी गलियां दिखा देते हैं आपको, क्योंकि यार कभी आओ ना तो भटक ना जाए। और भटक भी जाओ तो हमारा वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने हो सका वहाँ तक की सारा रूट का जो वीडियो बनाया है आपके सामने पेश किया है। और ये गाय मिलेगी हमेशा आपको, आप देखना ज़रूर। और ये बाबा जी मंदिर बहुत शानदार मंदिर है यहाँ पर। और इसी की जगह आया था ना अभी, ये जो रास्ता आएगा चौरा, इसके लेफ्ट साइड में जो लक्ष्मणगढ़ है उसका किला है। तो अगर कभी लक्ष्मणगढ़ आओ ना तो आप ज़रूर ये मतलब गढ़ ज़रूर देखना। और अभी गाइस हमको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जिसके कारण हमने लड़कियों की तरह लेमिनेशन कर लिया मुँह के ऊपर। अब हम ये मंदिर है सामने, बहुत शानदार मंदिर है। टाइम तो नहीं मिला इस देखने को, बट वो जैसा गाइस दिख रहा होगा अब सामने गढ़, ये है लक्ष्मणगढ़ का गढ़। और अभी हम लक्ष्मणगढ़ से रवानगी लेते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या, हमने वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है गाइस। और देखते 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 हुए टैक्सी आ गई, उस साइड में हो गई। और अभी हम जोर में गाइस, क्योंकि यार ये तो बस हमारे वाली है, चिड़ाव में रहती है तो बस। चल कोई बात नहीं, ये लाल टी शर्ट वाला पता नहीं कब से हमारे पीछे पड़ा है। ओह जय श्री बालाजी। तो गाइस ये आ गया सालासर धाम का मेन द्वार, ठीक है। अब यहाँ से ही मेन जो सालासर द्वार का जो रास्ता स्टार्ट होता है वो यहीं से ही है। आपको दिख रहा होगा सालासर जी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो गाइज अभी हम पहुँच गए हैं सालासर, और यहाँ पर आपको रियल में एक शानदार आर्मी का तोप दिख रहा होगा, शानदार है ना। अब धीरे 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 जैसे पास में आ रहे हैं बालाजी, उसी हिसाब से हमारा भी ना वो वेट नहीं हो रहा है, जिस कारण हमने गाड़ी को थोड़ा सा तेज चला लिया। और इस हमारी गाड़ी की इतनी ओवर स्पीड है कि आप पूछो भी मत, हमारी ओवर स्पीड है लगभग 35 कमी है ना। कोई बात नहीं। तो गाइस अभी हम यहाँ पहुँचने वाले हैं सालासर जो मंदिर का जो मार्केट है, जहाँ पर हम अपने बच्चों के लिए खिलौने वगैरह ले सकते हैं, और लेडीज़ अपना ज़रूरती सामान ले सकती हैं, सिंदूर वगैरह बहुत ही अच्छी रेट पे मिल जाता है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर मेला लगा हुआ था, बट हमने मेले के अंदर तो नहीं आए, क्योंकि मेले के अंदर काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिस कारण हमने ना ये मेले से 4-5 दिन बाद में आए। और गाइस मेरे को तो मूड भी नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं नहीं जा पाऊँगा अकेला। तो सुबह सो रहा था तो अचानक ही ये कार्तिक भैया जो हमारे घर पर आए, उन्होंने बोला कि हम सालासर चलते हैं। तो गाइज हम आ गए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर गाइज मेले में आता तो मेरे को भंडारा मिलता, लेकिन आज भंडारा नहीं मिला यार। सो फाइनली गाइज मैं पहुँच गया हूँ बालाजी के धाम, और यहाँ पर आज मंगलवार है तो थोड़ा सा कार्तिक जी पता नहीं। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं सालासर धाम मंदिर में। तो गाइस मैं बोल रहा था कि आज मंगलवार है, थोड़ी भीड़ हो रही है। हालांकि इस मंदिर में अंदर जाने के बाद तो वीडियो नहीं बनाने देंगे, क्योंकि परमिशन नहीं है। फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा आपको ना, ये लाइन वगैरह लगे हुए इसके अंदर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर तो। बट अंदर जो मंदिर का जो मुख्य टेम्पल है, मंदिर है, उसके अंदर नहीं वीडियो बनाने देंगे। हाँ कोशिश करते थे, पिछली बार कोशिश की थी, हमारा फ़ोन ले लिया था बहुत देर बाद में, उनके हाथा चोड़ी करनी पड़ी, तब कहीं जाकर उन्होंने फ़ोन दिया मेरे को। तो वैसे अभी हम जा रहे हैं
भीड़ नहीं है, थोड़ा मजा आएगा और भी। कार्तिक जी देख लो यार, काला सरदाम जय हो। तो गाइस जैसा मैंने कि बताया था कि अंदर तो जाने का वीडियो नहीं बनाने देंगे, बट साइड में ये है कानी दादी जी जो बहन है, और यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मूर्ति भी रखी हुई है सालासर जी की। तो गाइस देख लीजिए सेम ऐसे हैं यहाँ पर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम के देख लेना, मतलब पूरे वर्ल्ड में ना यही एक ऐसे बालाजी हैं जिनके दाढ़ी मूंछ है। अब तो कैमरा चला ही सकते हैं, कोई ना नहीं करेगा। अब तो गाइस नमस्ते, ये कार्तिक जी हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, और इन्हीं की दया से हम यहाँ पर आज सालासर देखने आए हैं। हमें तो पता नहीं था कि हम आएंगे नहीं आएंगे, पर इनकी कृपा है और सालासर का जी का इनका आशीर्वाद है कि हम यहाँ पर आए आज। अरे अपनी जड़ाव की दुकान दिखाऊंगे लगाया जी, आ गई अपनी जड़ाव वाली दुकान। लालचंद जी है हमारे पेड़ वाले, कहाँ पर चलो तो गाइस यही है हमारे भगवान, आज तो इलोली दर्शन कराए हमको। कोटि कोटि नमन इनको, कार्तिक जी भगवान है। तो कार्तिक जी भगवान है ये हमारे। काफी पसीना आ रहा है कोई देखो आई जाए चल जाओ भाई, अच्छी अच्छी बढ़िया फोटो चल जाओ बढ़िया फोटो ले लो। देखो मंदिर में आया, बट मेरे को पता नहीं है किस लिए ऐसे खड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किस का वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। इन लोगों को अच्छा सा वाला पोज नहीं मिला है, देखते हैं इनका कैसा। तो गाइस जी हमारे कार्तिक जी काफ़ी देर हो गई इनको फोटो खींचते हुए, हमारा भी नंबर आएगा, बहुत देर हो गई इनको, काफ़ी घुमा दिया इन भाई ने, और इनकी फ़ोटो भी मैंने काफ़ी क्लिक कर ली है, समझ में नहीं आया। अब जाएंगे यहाँ पर जाएँ, काफ़ी धूप हो रही है, धूप के अंदर हमारा हो गया हाल ख़राब। भाई अभी हम जा रहे हैं सालासर धाम से, हम लेते हैं विदा, और आप हमारे वीडियो को कर देना लाइक, और थोड़ा सा कि आगे आगे चलकर आपको मैं और भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो ना वो दिखाऊँगा। वो आएँगे घोड़ेवाला बालाजी भी आएगा, और एक अंजलि माता का मंदिर आएगा, मैं वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपको जरूर दिखाऊँगा। ओके गाइस अभी हम चल पड़े हैं अंजनी माता के मंदिर की तरफ, और हमने सालासर जी के दर्शन कर लिए। सबसे खास बात यह है कि हम उन्हें कुछ मांग सकते हैं, हम जा कर रहे मंदिर में तो दर्शन वगैरह किए, वापस आ गए बारह के अंदर मांगे नहीं कर देंगे बेड़ा पार अपने आप। यार हमारे ड्राइवर जी है काफ़ी हेलमेट मिल के, हाँ सीधा चलो सीधा।
गाइस हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहियो और हम दिखाएंगे आपका अंजनी माता का मंदिर, ये भी सामने आने वाला है और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको गोड़ीवारा जी। आज पहली बार मैंने खुश हुआ क्योंकि पहली बार ना इतने अच्छे दर्शन मिले हैं, क्योंकि आप भीड़ नहीं थे ना, ऊपर टिपा के दीवार दिवस आते हैं तब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज हम पहली बार ना सही टाइम पे आए हैं, मज़ा आ गया। तो गाइस जो मुख्य द्वार है ना सालासर जी का, उनके कुछ ही मीटर दूर बाद में ये अंजनी माता का मंदिर आ जाता है। तो गाइस अंजनी माता मंदिर भी बहुत शानदार मंदिर है, बट इसके अंदर भी ना पुजारियों ने वीडियो बनाना अलाउड नहीं किया। तो गाइस कभी मौका मिले ना तो अंदर जाकर देखना, बहुत ही शानदार है, अंदर माहौल बनता है देखने का रियल में। अभी हमारे कार्तिक जी भटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं। तो गाइस थोड़ा आगे और चलते हैं, ये आ गई है तो जो रियल है गाइस, जो युद्ध के अंदर काम में लिया गया था। फिर यहीं पर ही तोरण द्वार है जो सालासर जी का, यहाँ पर ही इनको विराजमान किया गया है। और गाइस अभी हम आ चुके हैं, ये है हमारा घोड़ीवारा बालाजी। तो गाइस जब भी ना सालासर धाम जाओ ना तो यहाँ पर घोड़ीवारा बालाजी तो ज़रूर रुक के जाना, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है कि थका हारे जो आते हैं यहाँ पर आकर काफ़ी शांति मिलती है यार, बहुत अच्छा है। हे प्रभु, जय श्री राम। ओके सर। घोड़े वाला बालाजी के मंदिर में आ चुके हैं गाइस, ये नारे खड़े हैं, देख लीजिए कितनी अच्छी कलाकृति है। ये पंडित जी महाराज है, नवरा पंडित जी महाराज वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पंडित जी जी ने हमको परमिशन दे दिया गाइस, अभी हम वीडियो बनाने के लिए आ गए। यो माँ जी देखिए वीडियो की वजह से सत्ता पत्र में देख ले कितनी शानदार क्या करती है, है? तो वाह यार मैं तो आज ही देखे देवी। तो ये हमारे जो कार्तिक जी हैं ये मेरे को धीरे धीरे समझा रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। कार्तिक जी हमारे साथ में चलेंगे यहाँ पर, उसकी तरफ जो बालाजी है हमारे, हम उनकी तरफ मिलने जाएंगे अब। कार्तिक पूरा बढ़िया फोटो खेल, मंदिर की फोटो खेलते खड़े हो जाओ सामने। ये हम चलेंगे राम जी के मंदिर में, मंदिर है। इस मन खुश हो गया क्योंकि अला सर में हमें परमिशन नहीं मिल रही थी वीडियो बनाने की, और यहाँ हम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, खुल के बनाओ वीडियो और अच्छी अच्छी कलाकृति देखिए। ये अब हम वहाँ पर चलेंगे गाइस, हैं इसके अंदर भी दिखाते हैं भाई, जाओ जाओ तो खाए हो अगर महादेव आ जाओ। जल चढ़ा दो, पेटी भी मत जाइए। ओम नमः शिवाय।
दादा जी बिजी हो गए हैं, हम की तरफ दिखाओ ना। हमारी तरफ हम आप लेके आए आपको बड़ीवारा बालाजी के मंदिर में, और हम आपको दिखा दिया बालाजी का मंदिर। और हम आप जाएंगे उज्जैन जाएंगे को ना, उज्जैन जाएंगे हम आगे बहुत सारी जगह। हमारी गाड़ी ये है जगदीश जी महाराज। हेलो, एक्चुअली मैं ना ढोल बजा के आया दीदी सी। हमारे बावले बाबा, ये गाइस वही है चिड़ाओ के किंग बावले बाबा, जो हमारे एकदम से पास में रहते हैं। हम पहली बार आए इस मंदिर में, तो बहुत बार आ गए, लेकिन हम पहली बार देखे हैं बावले बाबा यहाँ पर भी रस बार है। दक्षिणा रगड़ी पड़ती है जब कहीं जाकर वो धागा बांध देगी, है ना। यहाँ तो बार वाला जी और सब कुछ पूरे भगत बने हुए हैं। मंदिर के बारे में दिखा देते हैं, बालाजी का मंदिर आप देख लो, शानदार वाला मंदिर है। यह मूर्ति, ये हमारे कार्तिक जी हैं जो भगवान साबित हुए। मैं सो ही रहा था बट कार्तिक जी आए और बोले साला सर चलेंगे तो इन्हीं की देना आज। और हम कल मेरे को वृंदावन लेके जा रहे हैं भाई, कल वृंदावन लेके जा रहे हैं। इनकी वीडियो बना दो सामने से, काफ़ी इनका मन है यार, बहुत दूर से चल के आए, इनको पता नहीं था। मैंने दिखा, मैं इनका गाइडर बन के आया हूँ, तो गाइड में इनको ना मूर्ति दिखा देता हूँ सामने वाले। अभी हम मुक्का चालू कर दिया और हम खाना भी खाएंगे, काफ़ी लंबा रास्ता भर रहा है यार। हम दिल्ली से चल के आए यहाँ पर गाइड, और अभी उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा माहौल हो रहा है? बहुत क्या परांठा बनाएगा आप? नहीं, इन्होंने परांठे बनाए, आलू परांठे खाएंगे बताओ। हाँ सुबह से भूखे हैं, पहले खाने से पहले ये क्या आगे वो कर रहे हैं उसका भी गाइस, थोड़ी देर खाना खाते हैं बाद में बात करते हैं। तो गाइस हमने ये चाय ले ली है और साथ ही हमने हुक्का, साथ में हम खाएंगे ये वाली चटनी, ये होगी हमारी मिर्ची। तो गाइस हमको लग रही है भूख भी बर्दाश्त हो नहीं रहा है, हमने ऑर्डर कर दिया खाने का, बहुत सारा ऑर्डर कर दिया है। बट पहले पीएंगे चाय और बाद में गुटका, आप देखते रहिए थोड़ा चलते रहिए, हमारे साथ में जो जाएगा वो ऐसे ही खराब होगा, तो मतलब ऐस करेगा गाय, हम ऐस कर रहे हैं। मंदिर हो प्लस में बड़े वाला बालाजी का मंदिर, तो हमारे वीडियो को ना लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके, देख लेते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये खुद तो नहीं देखते हैं, कहाँ से करेंगे? आप देखना गाइस, है ना, वीडियो शेड्यूल लाइक करना। और जल्दी वृंदावन का मंदिर आ रहा है, हम जा रहे हैं फिलहाल वहीं पर ही, और आप देखना इस वीडियो को।